हेलो किसान भाई नमस्कार, मैं सुरेश कुमार कुशवाहा कृषि जागरण से कानपुर देहात उत्तर प्रदेश। आज मैं आप लोगों को जौ की खेती के बारे में जानकारी दे रहा हूं, जिसकी खेती आजकल किसान भाई ना के बराबर कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, तो जिसके कारण उत्पादन बहुत कम हो रहा है। तो जब उत्पादन कम होता है इसलिए इसकी डिमांड बहुत अधिक होती है, और ये जौ एक ऐसी फसल है कि जो कि हमारी खाद्य पदार्थ में के साथ साथ में ये दवा का काम भी करती है, क्योंकि जो जौ होता है ये पेट के लिए बहुत ही अच्छी लाभदायक और ठंडक पहुँचाने वाला जौ होता है। तो हमारे किसान भाई अगर जौ की खेती करते हैं तो इसको हाई रेट में बेचकर बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट, बहुत अच्छी कमाई ले सकते हैं। तो किसान भाई जौ की खेती को बढ़ाकर इसको दवा के रूप में भी बिक्री कर सकते हैं, क्योंकि ये जौ का जो आटा होता है इससे आप सत्तू भी बना सकते हैं, सत्तू बनाकर इसको पैकिंग करके आप भी बेच सकते हैं, और साथ साथ में शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये एक रामबाण औषधि का काम करता है। तो ये जौ बहुत ही बेहतरीन लाभ देने वाली फसल है, जिसमें किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि खेती के साथ साथ दवा के रूप में भी इसको लोग यूज करते हैं। इसको आप छोटी पैकिंग में, बड़ी पैकिंग में आप इसको बेच सकते हैं, या जौ को और चने को मिलाकर आप सत्तू के रूप में उसकी पैकिंग करके आप अच्छे दामों में बिक्री कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई गेहूं अदर फसल को कम करके जौ की खेती करते हैं तो बहुत ही लाभ उठा सकते हैं। तो किसान भाई से बस यही कहना है कि जो फसल कम हो रही है, जो किसान भाई कम कर रहे हैं, उसको आप लोग बढ़ा के बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। इसलिए आप लोग जौ की खेती अवश्य करें, और जौ की जो खेती होती है उसमें लागत भी बहुत कम लगती है और पानी भी बहुत कम लगता है, तो इसमें जो खर्चा आता है वो भी बहुत कम होता है, और इसकी जो बिक्री होती है वो महंगे दामों में होती है। तो इसलिए किसान भाई जौ की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।